वालेकुम, मेरा नाम है तलहा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइव शेयरिंग वेबसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई क्लाउड सर्वर वगैरह यूज करते हैं या आपको भी अपना डेटा स्टोर करना है ऑनलाइन तो फ्री स्पेस देते हैं आपको, उस तरह की कुछ वेबसाइट है मीन्स के फाइल शेयरिंग वेबसाइट्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और वो कोई टॉप फाइव जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं और सिंपल बहुत है लोगों के दरमियान, तो उसी के बारे में आज मैं जिक्र करने वाला हूँ कि उसमें सबसे अच्छी कौन सी है। तो पहले नंबर पे है मीडियाफायर। जी हाँ, मीडियाफायर मैं यूज करता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और दोस्तों आपको भी अगर आप कहीं से डाउनलोड कोई चीज करते हैं आप चाहते ही होंगे कि मीडियाफायर का लिंक मिले कोई, क्योंकि मीडियाफायर बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा आसानी से वो आपकी चीजों को डाउनलोड कर देता है। तो दूसरे नंबर पे है जिपी शेयर। जी हाँ दोस्तों, जिपी शेयर के बारे में आपने सुना होगा, वो भी काफी अच्छी है बट मुझे इतनी नहीं पसंद है, मुझे मीडियाफायर ही पसंद है। मैं इन सारी जो आपको बताऊंगा उनमें से मीडियाफायर ही यूज करता हूँ। और जो है तीसरी जो नंबर पे है वो है फोर्थशेयर। जी हाँ, फोर्थशेयर.com है इसका नाम पूरा। और जो है ये भी काफी अच्छी है, ये आपको जब अपलोड हो रहा होता है आपका डेटा उससे पहले आपको लिंक प्रोवाइड कर देती है कि मतलब अगर आपको कहीं जल्दी आपको अपने क्रिएट करना है कोई पोस्ट तो लिंक वगैरह अगर आपको अटैच करना है किसी चीज़ का तो आपको पहले से लिंक प्रोवाइड कर देता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप पहले से लिंक पेस्ट कर दें वहाँ पर, फिर वो जब अपलोड हो जाएगी तो वो एकदम वर्किंग परफेक्ट कर लेगा। फोर्थशेयर.com है ये वेबसाइट जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट का जो नाम है वो है mega.nz। मेगा आपने सुना होगा, ये भी मुझे बहुत पसंद है और मैं ये भी यूज करता हूँ बट कम यूज करता हूँ, मीडियाफायर में ज्यादा यूज करता हूँ, इस तरह मैंने आपको पहले बताया। mega.nz ये भी अच्छी है, इसमें तो आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं अपनी किसी फाइल को लॉक लगाकर, उसके अलग से की भी प्रोवाइड करता है डिक्रिप्ट की, तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी अच्छी और मतलब कुछ हैकिंग वगैरह का उसमें खतरा, तो आप मेगा पे अपलोड करते हैं तो वो उसका खतरा कम ही होता है और काफी अच्छी वेबसाइट है mega.nz, तो आप उसको जरूर यूज करिएगा, मुझे भी अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ बढ़ लेते हैं। तो डिपॉजिट फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, डिपॉजिट फाइल्स भी काफी अच्छी वेबसाइट है, बहुत ज्यादा तेज वर्किंग करती है, लेकिन इसकी जो इसमें एड्स वगैरह कुछ आते हैं तो मुझे इसलिए नहीं पसंद वो, लेकिन है अच्छी वेबसाइट क्योंकि अपलोडिंग बहुत ही ज्यादा जल्दी करती है। सिर्फ उसमें मसला एक है कि उसमें एड्स बहुत मतलब एड्स सही नहीं है, समझ जाए आपके एड्स सही नहीं आते उसके अंदर, तो मुझे इसके वो पसंद नहीं है और मैं उसको यूज बिल्कुल भी नहीं करता डिपॉजिट फाइल्स को। सॉरी, जो चार पहले की बताई हैं उनको ही यूज कर लें। तो हाँ, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसी टॉप फाइव वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स या किसी एप्स के बारे में ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।